Hi guys, welcome back to my channel. I am Smriti और in today's video I am going to do my whole makeup using one brush. मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने एक ब्रश ऑर्डर किया है पैक का और वो मल्टी टास्किंग ब्रश है. मतलब मैं उससे फाउंडेशन भी यूज कर सकती हूँ, उससे कंसीलर भी यूज कर सकती हूँ, ब्लश, हाईलाइटर, कॉन्टूर, एवरीथिंग. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वही ब्रश ट्राई करूँ और उसी ब्रश की हेल्प से अपना पूरा मेकअप करूँ. बस डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि मैंने अपने आंखों का मेकअप अपने फिंगर से किया है. आप देख सकते हैं कलर अभी भी लगे हुए हैं और क्योंकि वो ब्रश से नहीं हो रहा था, दैट्स वाई. और मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रोज सेट नहीं की है क्योंकि वो भी उसके लिए मुझे दूसरा ब्रश यूज़ करना पड़ता, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी अपनी आईब्रो नहीं सेट की. यहाँ पे मैंने पूरा मेकअप सिर्फ एक ही ब्रश यूज़ किया है. अगर आप बिगनर हो, आपके पास बहुत सारे ब्रश नहीं है, आप एक ब्रश लेके भी अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं. सो वो स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं यहाँ पे प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ. प्राइमर के लिए मैंने यहाँ नायका का प्रेप मी अ प्राइमर यूज़ किया है. आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर. और इसका मैंने अपने जहाँ पे मेरे ज़्यादा पोर्स हैं मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया. बट फोकस मेरा मेरे जहाँ पे पोर्स ज़्यादा हैं वहाँ पे है. नाउ कम टू द फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन लिया है. शायद इसमें मेरा शेड 128 है. मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डैप डैप करके पॉइंट अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी. और आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ ना करके पैक के ब्रश का यूज़ करूँगी. मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पूरा मेकअप मैं ब्रश से ही करने जा रही हूँ, और मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है क्योंकि मैं भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ब्रश नहीं फाउंडेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे काफ़ी अच्छी फिनिश नहीं आती. बट इसको यूज़ करने के बाद ऐसा लग नहीं रहा है कि फिनिश अच्छी नहीं आएगी, काफ़ी अच्छी फिनिश दे रहा है ये, और बहुत ही अच्छे से स्मूथली मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड किया इसने. बट हाँ, आपको थोड़ा टाइम देना होगा क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा जल्दी हो जाता है और इससे थोड़ा टाइम लगता है ब्लेंड होने में. आराम से ब्लेंड करेंगे तो बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा, और ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है तो ब्लेंड हो जाता है आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. कंसीलर के लिए मैंने यहाँ एलेगर प्रो कंसीलर लिया है. मैंने पहले सोचा कि मैं अपने फिंगर से इसको ब्लेंड करूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पूरा वीडियो ही ब्रश पे है तो फिर ब्रश से ही ब्लेंड करना चाहिए. तो मैंने ब्रश और मैं कंसीलर अपने पूरे आई के जो वी शेप में लगता है उसको ना लगा के इनर और आउटर कॉर्नर पे इसलिए लगाती हूँ कि इससे क्या होता है, मेरी जो आई है ना वो थोड़ा लिफ्टेड दिखती है. और मैं अपने नोज़ के साइड में भी लगाती हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा ब्लैक एक्ने प्रॉब्लम या थोड़ा बहुत डार्क मतलब जो भी डार्क एरिया मेरे फेस में है वहाँ वहाँ मैं कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ. मैंने उसको बहुत ही अच्छे से आराम से ब्लेंड किया है, वो ब्लेंड भी हो गया मेरा कंसीलर मेरे फेस पे. बस हाँ, थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको, बट वो आपके ये ब्रश अच्छा है और अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है. जैसे इसको मल्टी टास्किंग कहा गया वैसा ये काम भी कर रहा है. नाउ कम टू द लूज पाउडर. मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ, मेरे पास एक यही है जिसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. और इससे क्या होता है, मेरा जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है, केकी भी नहीं लगता. तो मैंने सेम ब्रश से अपने बेस को सेट कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके मैं सेट करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट हाँ, मेकअप को सेट करने के लिए. नाउ कम टू द कॉन्टोर. कॉन्टोर के लिए मैंने शुगर का कॉन्टोर लिया है. इसमें मेरा शेड 01 है, और मैं इसको अपने चिक बोन के पास, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद आपका जो फेस होता है वो फ्लैट दिखने लगता है, तो उसको थोड़ा शेप देने के लिए आपको फोरहेड और चिक बोन और अपने डबल चिन के आसपास, क्योंकि थोड़ा बहुत डबल चिन मुझे है तो मुझे उससे हाइड करने के लिए, हाइड क्या होता है वो बस एक इल्यूज़न होता है कि हाँ
सो उसके लिए मैंने ये भी पाउडर, पता नहीं मैंने क्रीम प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ किया, बट हाँ पाउडर प्रोडक्ट ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर दे रहा है, नो डाउट। बट मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन लगाने के बाद ना ये ब्रश में जो जैसे मैं कोई और प्रोडक्ट ले रही हूँ, जैसे मैंने ब्रोंजर लिया है, कॉन्टोर लिया, तो उसमें जो अमाउंट है ना वो बहुत कम ले रहा है वो ब्रश में भी। फाउंडेशन पहले लगाया तो उसकी वजह से, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा 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 करके कई बार अप्लाई करना पड़ रहा है। नाउ कम टू द ब्लश, सेम ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक, इसमें मेरा शेड 01 है, और इसे ये ब्लश ब्रश तो है ही है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। और अच्छा काम तो वैसे इसने सभी के लिए किया है, फाउंडेशन के लिए भी किया है, कंसीलर के लिए भी किया है, इवन सेटिंग के लिए भी किया है। तो मैं ब्लश जब भी लगाती हूँ तो ये ध्यान देती हूँ कि मैं उसको अपने कॉन्टोर से मिक्स कर लूँ, ऐसा वो अलग अलग पार्ट ना लगे कि हाँ ये यहाँ से कॉन्टोर लगा हुआ है, इसके ऊपर ब्लश लगा हुआ है, नहीं, वो सब जाके एक जगह मिक्स हो जाए तो वो लगे कि हाँ मैंने सारे प्रोडक्ट एक ही जगह आ रहे हैं। तो मैं उसको अच्छे से अपने कॉन्टोर के साथ मिक्स करती हूँ। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया हुआ है। हाइलाइटर मुझे लग रहा था कि मैं कैसे अप्लाई करूँगी, पर यह थोड़ा पॉइंटेड है टॉप पे, तो वहाँ से उसके हेल्प से मैंने अप्लाई कर लिया और ये अच्छे से अप्लाई भी हो गया। अगर आपको कम रेंज में कोई हाइलाइटर चाहिए तो वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर बहुत ही अच्छा हाइलाइटर होता है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको अपने चिक बोन और टी जोन एरिया में लगा लेती हूँ। ना मैंने यहाँ पे आई पैलेट के लिए निक्स का आई पैलेट लिया हुआ है। मैं यहाँ पे ब्रश तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने फिंगर से ही अपने आईलेट पे ऑरेंज कलर लेके उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ, हो जा रहा है आराम से, इजिली ब्लेंड हो रहा है। बस हाँ आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके अच्छे से ब्लेंड करना है। मस्कारा के लिए यहाँ मैंने मेबलिन मस्कारा लिया हुआ है इन दी शेड ब्लैक, और मैं आईलैशेस नहीं यूज़ करती हूँ जल्दी, तो यहाँ पे मैं जितनी ज़्यादा कोटिंग हो सकती है उतने कोट अप्लाई करती हूँ। तो आई थिंक मैं 4-5 कोट तो अप्लाई कर ही देती हूँ मस्कारे के। इसे कहते हैं आईज आपकी लिफ्टेड लगती हैं और एक अच्छा सा वॉल्यूम देता है ये। ये मेबलिन का मस्कारा काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बस आपको थोड़ा 2-3-4 बार अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। एक एक दो में तो इतनी अच्छा वॉल्यूम नहीं आता, बट हाँ अगर 3-4 टाइम आपने अप्लाई किया तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देता है, आपको आईलैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेकअप अपने बेस को अच्छे से फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर लिया हुआ है। पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे करके इसको मैं 30-40 सेकेंड छोड़ दूँगी सूखने के लिए, इससे हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाता है। नाउ लाइनर के लिए मुझे याद नहीं है ये कौन सा लाइनर है मेरे पास, मैंने इसको अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये पैक ऑफ 12 आया था, तो मुझे ब्रांड नेम नहीं याद है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के लिए यहाँ पे नायका, सॉरी नायका नहीं, लैक्मे की 9 to 5 प्राइमर प्लस क्रीम
क्रीम लिपस्टिक ली है। इसमें मेरा शेड जो है वो डस्टी ऑरेंज है, मुझे ये शेड बहुत पसंद आया। और मैं अपने उसके बाद ना थोड़ा सा अमाउंट कंसीलर के लेके ना अपने मिडल ऑफ लिप पे ना उसको टैप टैप करके लगाती हूँ। इसे क्या होता है ना, इससे आपके थोड़े लिप्स ना बड़े 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 दिखते, मतलब उभरे हुए उस टाइप्स। सो ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ किया, मैंने एक ही ब्रश से अपना पूरा मेकअप कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड बाय बाय।